से यहां आ गए तो भगवान के भक्त कहने लगे, तुम काले कलूटे कौन हो, पहले तुम अपना परिचय दो। तुम यमराज के दूत कहते हैं कि हम यम के दूत हैं, हमारे स्वामी भगवान यमराज हैं, जो भी पापी पाप कर्म करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है तो अंतिम समय में हम उसे लेने आते हैं। इसीलिए यह अजामिल भी बहुत बड़ा पापी था, इसने ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं था जो ना अपने जीवन में ना किया हो, इसीलिए हम इसे लेने आए हैं। अब तुम बताओ तुम कौन हो। तो भगवान नारायण के पार्षद कहने लगे, हमारे प्रभु का नाम है नारायण और हम उनके भक्त हैं, जो भी हमारे प्रभु का नाम अंतिम समय में पुकारता है हम उसे लेने आ जाते हैं। यम के दूत जोर जोर से हंसने लगे, अरे भैया आप तो धोखा खा गए, क्यों? क्योंकि यह आपके प्रभु नारायण को नहीं पुकार रहा, यह तो जो सामने ही उसका बच्चा खेल रहा है उस अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है, इसीलिए आप धोखा खा गए। परंतु भगवान नारायण के दूत कहने लगे, धोखा तो तुम लोग खा रहे हो, तुम ही बताओ कि इसके बेटे का नाम तो 2 साल पहले ही नारायण रखा है, परंतु हमारे प्रभु का नाम जो नारायण है वह अनंत काल से रखा हुआ है, इसीलिए अब तुम ही बताओ कि नारायण जो नाम है वह किसका माना जाएगा। तो यमदूत माने नहीं, भगवान नारायण के दूत समझाने लगे कि जो वस्तु शक्ति है वह किसी की भी अपेक्षा नहीं रखती, आप चाहे तार के जो करंट का तार है उसे प्रेम से छुओ या जानबूझकर छुओ, करंट अमर होना ही पड़ेगा, इसीलिए भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, इतना महिमाशाली है कि चाहे आप भाव से जपें या कुभाव से, किसी भी स्थिति में जपें, अपने पुत्र के बहाने ही जपें तो आपका कल्याण होकर ही रहेगा। भाए को भाए नख आलस
Thank you.